वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ये तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप मेरे हाथ में अंडे देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कबूतरों के नीचे मुर्गियों के अंडे रख सकते हैं कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि हम रख सकते हैं बिल्कुल। और मैंने केयर के हवाले से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में इनकी कैंडलिंग भी करेंगे। तो इस वक्त तीन अंडे तीनों मुर्गियों के हैं जो हम लोगों ने कबूतरों के नीचे रखे हुए थे, तो अब हम इनकी कैंडलिंग करेंगे। और जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आपने भी उससे कैंडलिंग करनी है। अब वो मुर्गियों के अंडे और बतख के अंडे उससे ही करनी है। चलें तो चलते हैं कैंडलिंग करने। तो यानी अभी आप जो प्रोसेस बताने लगे हो इससे किसी भी परिंदे के अंडे हों तो जितना भी छोटा कर सकते, कोई भी अंडा हो उसको इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं कि उस अंडे में बच्चा बन रहा है नहीं बन रहा, अंडा से उसमें बच्चे की सही ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। सही है, तो चलिए उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं ले आया हूँ अंडा और यहाँ पे हम लोग रोशनी में कैंडलिंग करते हैं। तो ये देखिए, रोशनी में बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि ये देख सकते हैं, ये एक नोक छोटी वाली नोक हम लोगों ने नीचे रखी है, एक मोबाइल को उल्टा करके उसकी टॉर्च लगा के उसके बाद मोबाइल रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी हमें आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ सारी रोशनी रोशनी है, तो अभी हम लाइट्स ऑफ करेंगे और उसके बाद करेंगे। हम बारी बारी दोबारा कर लेते हैं सारे अंडों को। देखें, इसमें भी नहीं आइडिया हो रहा और ये आखिरी है, इसमें भी नहीं आइडिया हो रहा तकरीबन। तो फ्रेंड्स, ये एक अंडा उठा लिया मैंने और अंधेरा भी कर दिया है, तो हम इस अंडे को रखते, देखिए अब आपको लाल लाल नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये जो अंडा है इसके अंदर प्रॉपर बच्चा बन रहा है। तो हल्की हल्की, अगर मेरा कैमरा आपको सही दिखा सके तो यहाँ पे हल्की हल्की वेंस भी नज़र आ रही होंगी, आपको देख सकते हैं बड़ा अच्छा इसके अंदर ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये देख सकते हैं ऐसे। तो यानी अगर अंडा अंदर से लाल लाल महसूस हो रहा हो तो इसका मतलब है कि अंदर चिक बन रहा होता है। हाँ जी, देखें सही है। अब ये एक थोड़ी सी जगह से बना हुआ है, एक थोड़ी सी जगह से नहीं बना हुआ। कोई और अंडा हम चेक करते हैं। ये एक और अंडा हम चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, ये तो मुझे लग रहा है अनफर्टाइल है। तो क्योंकि अंदर से प्रॉपर लाल नहीं है, ये ज़्यादा इसमें फील हो रहा है कि बस अंडे में जर्दी से फेदी। हालांकि ये दिया गया 7 अगस्त को और आज काफ़ी दिन इसको गुजर गए, तकरीबन आज 15 से 16 दिन इसको गुजर गए हैं, फिर भी इसके अंदर बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ। सही है। और तीसरा अंडा चेक करें। तीसरा अंडा अब लास्ट अंडा है और अगर हम इसका साइज देखें तो उसमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इसे ना तकरीबन बच्चा ना बन चुका है। ये तो बिल्कुल अंदर से अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा है, जो काला काला सारा अंधेरा अंधेरा। अगर इसके ना बच्चा ना बन रहा होता तो सारा येलो येलो नजर आता, और अगर बच्चा प्रॉपर बन चुका होता है तो काला काला नजर आने लग जाता है। लाइट पास नहीं कर सकती, मतलब लाइट पास नहीं कर पाती। सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आप किसी भी चीज़ के अंडे चेक कर सकते हैं, डक हो, पीकॉक हो, तोते हो, फिंचिस के अंडे, किसी भी चीज़ के अंडे आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने तीनों अंडों को बारी बारी चेक किया है, जिसमें से एक हमें लगा है कि अनफर्टाइल और दो में बच्चा स्टार्ट हुआ वह बनना। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जब इनके अगर चेक निकले तो हम उनकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और लाइक कर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी मेरे से पूछ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।